नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे में फेल है, प्रदेश में महिलाएं सपा सरकार बनाने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और पूर्व सपा के सरकार के हुए विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नगर के नेहरू हॉल सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद जूही सिंह का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद उन्होंने महिलाओं से संवाद स्थापित किया। इस दौरान जूही सिंह ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं, युवाओं और अन्य लोगों की समस्याओं को घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके। जनसंवाद कार्यक्रम पिछले 3 माह से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार महिलाएं सरकार बनाने जा रही हैं, इसलिए महिलाओं व युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर इस बार पार्टी की विजय पताका फहराएगी। सपा नेत्री ने कहा कि पिछले 4.5 साल में विकास ठप है, भाजपा अपने घोषणा पत्र में किसी वादे को पूरा नहीं किया। सरकार की संवेदनहीनता, महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, सरकार का झूठिया भाजपा सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। जनता इनको 2022 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाएगी। आजमगढ़ हमारा क्षेत्र है, हमारे राष्ट्रीय क्षेत्र है, मजबूत क्षेत्र है समाजवादी पार्टी के लिए, और आधी आबादी महिलाएं इस बार सरकार बनाएंगी। हम लोग को दायित्व मिला है कि महिलाओं को जोड़े, युवाओं को जोड़े, उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को अध्यक्ष तक पहुँचाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है और आजमगढ़ से हम हर सीट जीतेंगे, महिलाओं के योगदान से जीतेंगे और उनकी कठिनाइयाँ जो भी मुश्किलें हैं, महंगाई, समाजवादी पेंशन बंद होना, लोहिया आवाज बंद होना, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे दुराचार, बेरोजगारी, इन सब को हम लोग दूर करके अपने घोषणा पत्र में कैसे करेंगे ये दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी जी हैं वो महिलाओं को यूपी में 40% की भागीदारी दे रही हैं, आपकी पार्टी और आप मिलकर के किस तरीके से महिलाओं को अवसर कर रहे हैं? देखिए, मैं आप किसके विषय में पूछ रहे हैं मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकती हूँ। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने विधायकों और अपनी पार्टी के बारे में बता। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया, क्या कारण है? ये एक श्रृंखला है जो हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, और महिलाओं को जोड़ना, युवाओं से बात करना, बड़ों से भी बात करना, जिससे कि जो भी हमारा घोषणा पत्र है उसमें हम उनकी बातों को लेकर आए और अपने खुद का एक रिपोर्ट कार्ड 100 दिन में तय करें कि हम कैसे उत्तर प्रदेश को जिस विकास के रास्ते पर ले जा रहे थे और जो पिछले 4.5 साल से ठप पड़ा है, इसको अब हम अपनी नई सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में आगे बढ़ाएंगे। जनसंवाद में मेन मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, सरकार की संवेदनहीनता, सरकार का झूठ, संकल्प पत्र में एक भी वायदा पूरा न करना, ये इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। जनता का मन है इनको हटाना है और अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है और वही। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।